हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नीट वर्ष 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसका कोड है Q3। तो फ्रेंड, वर्ष 2019 के नीट के क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या 180 थी। प्रत्येक सही प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं और जबकि एक उत्तर गलत हो जाने पर 1 अंक काट लिया जाता है और इसके लिए आपको समय 3 घंटे का मिलता है। इस तरह से नीट का क्वेश्चन पेपर कुल 720 अंकों का होता है। नीट का एंट्रेंस ऐसे स्टूडेंट के लिए होता है जो इंटरमीडिएट में बायो से पढ़ाई कर रहे हैं या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम बायो से दे चुके हैं। और फ्रेंड, आइए देखते हैं कि वर्ष 2019 के नीट के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से प्रश्न आए थे। तो फ्रेंड, नीट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 90 प्रश्न बॉटनी जूलॉजी से होते हैं और 45 प्रश्न फिजिक्स से और 45 प्रश्न केमिस्ट्री से होता है। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 180 होती है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, अर्थात नीट के क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नीट का क्वेश्चन पेपर वर्ष 2019 का, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो फ्रेंड, यहां पर नीट के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि जूलॉजी से क्वेश्चन ये सभी हैं और ये सभी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पेशी विकार वंशागत है। यहां पर यह देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 23, 24। क्वेश्चन नंबर 26 जो देखें, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, एक तरफ हिंदी और दूसरे तरफ उसका इंग्लिश वर्जन रहता है। और फ्रेंड, 90 प्रश्न जो आते हैं, पहला जो 90 प्रश्न रहता है वह बॉटनी जूलॉजी से संबंधित रहता है और 45 प्रश्न फिजिक्स का और फिर 45 प्रश्न केमिस्ट्री का रहता है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि बॉटनी जूलॉजी से 50% प्रश्न अर्थात 90 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, ये सभी जूलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर यह देखें, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45,
जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छा है तो आप अच्छा कर पाएंगे। बॉटनी जूलॉजी के साथ साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अच्छा करना होगा, तभी आप नीट का कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे और आपको MBBS मिल सकता है। फ्रेंड, यह नीट का वर्ष 2019 का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं। इसमें समय 3 घंटे का रहता है और जो इसका टोटल पूर्णांक है वह 720 अंकों का और 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यहाँ पर याद देखें, क्वेश्चन नंबर 64, 65, क्वेश्चन नंबर 66, 67 और इस तरह से फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा कौन सी होती है। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और साथ ही साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं तो आप नीट का कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। यहां पर फ्रेंड देखें, यह क्वेश्चन नंबर 75 विशिष्टताओं का मिलान करना था, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 79। नीट का क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहता है। आप किसी भाषा के प्रश्न को पढ़कर समझ सकते हैं और सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87, 88 और फ्रेंड यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 लैक ओपेरॉन के निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए और क्वेश्चन नंबर जरा देखें 91, क्वेश्चन नंबर 91 जरा यहां से देखें, यह भौतिक विज्ञान का प्रश्न शुरू हो गया जो कि डी ब्रोगली वेव लेंथ से संबंधित है और इसका 92, क्वेश्चन नंबर 92 परसेंटेज इरर से संबंधित है, प्रतिशत त्रुटि से संबंधित है। तो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन आसान हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो आप फिजिक्स के भी प्रश्नों को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जरा देखें, एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते किसी कण का औसत वेग। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे गए थे। यह वर्ष 2019 का नीट का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं और यहाँ पर यह जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 96 ग्राफ से संबंधित और क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 जरा देखें हीट से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 98 ये फिजिक्स का सेक्शन देख रहे हैं, फिजिक्स से भी 45 प्रश्न पूछे जाते हैं और 90 क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी से अकेले, 90 क्वेश्चन बॉटनी जूलॉजी से, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहते हैं। इस तरह से कुल 180 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है और फ्रेंड इन 180 प्रश्नों में सही उत्तर
देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं जबकि गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। नीट के क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग है, इसलिए गलत प्रश्नों का बिल्कुल चयन ना करें। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको डाउट में है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप अंदाज से न लगाएं, क्योंकि इससे आपका 1 अंक कट जाता है और आप रैंकिंग में पीछे हो सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर यह जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 109, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110, 111, 111 सरल आवर्त गति से संबंधित प्रश्न है, 112 इंद्रधनुष से, क्वेश्चन नंबर 113, और फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 115, क्वेश्चन नंबर 116, 117, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 120, ये सभी फिजिक्स से आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि 45 प्रश्न फिजिक्स का भी रहता है और 45 प्रश्न केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो प्रश्न है वह 136 से शुरू होगा। यह जरा देखें किस तरह से नीट वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स का प्रश्न आया था। और फ्रेंड अगर आपका प्रैक्टिस पहले से है और आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप नीट के कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जिस तरह से आप बायो और बॉटनी और जूलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी ध्यान दें, समान मात्रा में फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी समय दें, जिससे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सही कर सकें। क्योंकि फ्रेंड ऐसा पाया गया है कि बॉटनी जूलॉजी के प्रश्न बायो के स्टूडेंट अच्छे से तो कर लेते हैं, परंतु फिजिक्स के प्रश्नों को करने में उनको कठिनाई होती है। तो इसलिए फिजिक्स पर भी बराबर ध्यान दिया करें, क्योंकि फिजिक्स से अगर आप अच्छे प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप आगे का क्वेश्चन कर लेंगे। फ्रेंड यह जरा देखें कि ये सब केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर जरा देखें जैव न्यूनकरणीय बहुलक है सेल अभिक्रिया के लिए, ये सभी दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पर जरा देखें पाई बंधों की संख्या सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या पूछा गया है, 145, एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, किस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर यह जरा देखें निम्न में से वह जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, कुछ बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन भी हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो फ्रेंड इन सब सवालों के जवाब आप अच्छे से सही सही दे पाएंगे। और नीट का यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय यानी 180 मिनट और 180 प्रश्न। तो फ्रेंड इसमें होता क्या है कि आप बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नों को जल्दी जल्दी अगर कर लें तो उधर से जो समय बचता है वह आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो केवल पढ़कर उत्तर देने वाले होते हैं, उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो होते नहीं। और उसका जो समय बचा हुआ है उस समय का उपयोग आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करने में कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है और केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 160, इसमें KSP विलेयता गुणनफल का मान पूछा है। तो फ्रेंड
सबसे पहले आपको बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नों को करना चाहिए और उसके बाद आप केमिस्ट्री के प्रश्नों को करें और उसके बाद फिर फिजिक्स के प्रश्नों को करें, क्योंकि फिजिक्स के प्रश्नों में टाइम लगता है। और जो क्वेश्चन ना आए या काफ़ी कठिन लगे उस पर आप बिल्कुल जो है कि समय न दिया करें, जिससे कि आप का जो समय बचा हुआ है आप अगले प्रश्न पर लगा सकें। फ्रेंड, यह देख रहे हैं आप नीट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। नब्बे क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी से, जबकि 45-45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से समान मात्रा में रहते हैं। यहाँ पर यह जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 173, 174 एक केमिस्ट्री का प्रश्न है। निम्न को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 176 यहाँ पर जरा देखें, और क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 179 जरा देखें यहाँ पर है, यह ये सभी इसके ऑप्शन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180, निम्न में नैरो संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम पूछा गया है।